रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। होपफुली यू विल ऑल राइट। आवर इंग्लिश पीरियड स्टार्ट लेक्चर नंबर 15 एंड डेट इज 19 जून। फर्स्ट ऑफ ऑल यू ओपन योर बुक्स ग्रामर ट्री पेज नंबर 14 एंड टुडे आवर टॉपिक इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, आज हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो कल जो है हमने पढ़ा था ट्रांजिटिव वर्ब्स और इनट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में। तो कल भी मैंने आपको बताया था कि जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं उसमें ऑब्जेक्ट होता है और जो इनट्रांजिटिव होते हैं उनमें ऑब्जेक्ट जो नहीं होता। अब इसमें देखिए, सम ट्रांजिटिव वर्ब्स कैन टेक टू ऑब्जेक्ट्स। कह रहे हैं कि कुछ इनट्रांजिटिव वर्ब ऐसे होते हैं जिनमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसमें एग्जांपल्स में देखिए, द स्टूडेंट्स गिव देयर टीचर सम फ्लावर्स। अब जो है द स्टूडेंट्स गिव देयर टीचर, यानी स्टूडेंट्स ने अपनी टीचर को कुछ फ्लावर्स दिए। किटी रोट रीमा अ लेटर, किटी ने जो है वो रीमा को ख़त लिखा। लाइब्रेरी लैंड सम लैंड पीपल बुक्स, जो लाइब्रेरी वाले वो क्या है कि लोगों को बुक्स जो है वो उधार देते हैं। नेक्स्ट, एक्सप्लोरर गिव द जू अ रेयर बर्ड्स डैट ही हैड कॉट। तो ये उन्होंने एग्जांपल कुछ दी हैं। तो इसमें देखें, फर्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं कि द स्टूडेंट्स गिव वर्ड, कि स्टूडेंट्स ने क्या दिया। तो फ्लावर्स दिए, द स्टूडेंट्स गिव होम, किस को दिए, टीचर को। तो यहाँ पे देखिए, द वर्ब गिव, जो गिव है, देयर फॉर हैज़ टू ऑब्जेक्ट्स, फ्लावर्स एंड टीचर्स। तो इसमें दो ऑब्जेक्ट्स आ गए, फ्लावर्स भी आ गए और टीचर भी आ गया। द आंसर टू वर्ड गिव अस अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फ्लावर्स, जिसमें कहा कि क्या दिया। और सेकंड में है द आंसर टू होम गिव अस अ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी किस को दिया, तो टीचर्स को। अब इसमें देखें कि दो क्वेश्चन हो रहे हैं कि एक जो है क्या दिया और किसको दिया। इन द अदर वर्ड्स द थिंग डैट इज़ गिवन फ्लावर्स इज कॉल्ड द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी इसमें ये बात बताई जा रही है कि जहाँ जो है फ्लावर्स दिए जा रहे हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और किस जिसको दिए जा रहे हैं वो सामने नहीं है तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो ये जो है इस तरह के दो जो है कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो इस एग्जांपल को देखते हुए हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। ये इसकी एक्सरसाइज नंबर बी है, आप डेट एंड डे मेंशन कर लें। यहाँ पे पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस, पॉइंट आउट ए देयर सब्जेक्ट्स एंड बी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट्स इफ एनी। इन द केस ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब्स विद मोर देन वन ऑब्जेक्ट, मेंशन विच आर डायरेक्ट एंड विच इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये जो है हमें इनको इस तरह करने हैं। ये देखें, नंबर वन है द फेरी क्वींस गिव द प्रिंसेस टू गिफ्ट्स। ये आपने भी अपनी बुक पे करने हैं इस तरह देख के। फेरी क्वीन सब्जेक्ट होगा, गिव जो है वो वर्ब है, और प्रिंसेस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, गिफ्ट्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्योंकि इनमें ऑब्जेक्ट है तो ये ट्रांजिटिव जो है होगा, ट्रांजिटिव वर्ब होगा। नंबर टू है द गार्डनर हैज़ प्लांटेड मैनी फ्लावर बुशेस, फ्लावरिंग बुशेस। तो इसमें क्या होगा, गार्डनर जो है वो सब्जेक्ट है, प्लांटेड हैज़ प्लांटेड वर्ब है, और बुशेस जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये इन ये ट्रांजिटिव होगा। नेक्स्ट देखिए, नंबर थ्री, सम ऑफ द फ्लावर्स इन द पॉट्स वर रेड एंड वॉलेट। तो इसमें सम ऑफ द फ्लावर्स जो है वो सब्जेक्ट है, वर जो है वो वर्ब है, तो इसमें क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये इनट्रांजिटिव होगा। नंबर फोर, द पुलिस आस्क द गार्ड्स मैनी क्वेश्चन अबाउट द रॉबरी। तो इसमें देखिए, पुलिस सब्जेक्ट, आस्क वर, गार्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो ये ट्रांजिटिव होगा। तो आपने यहाँ पे ट्रांजिटिव लिखना है। नेक्स्ट है जी, नंबर फाइव, ग्रैंड मा टोल्ड अस अ फाइटनिंग स्टोरी ऑफ अ गूस एंड डायमंड्स। तो इसमें देखिए, ग्रैंड मा हमारे पास सब्जेक्ट है, टोल्ड जो है वो वर्ब है, अस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, स्टोरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि इन दोनों में ऑब्जेक्ट है तो ये ट्रांजिटिव होगा। नंबर सिक्स, द हाइव
वाज फुल ऑफ हनी। आप देखिए हाइव जो है वो सब्जेक्ट है, वाज जो है वो वर्ब है, तो ये क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये इंट्रांजिटिव है। नेक्स्ट है नंबर 7, द रूम्स हैव बीन डेकोरेटेड फॉर द पार्टी टू नाइट। तो इसमें देखिए रूम सब्जेक्ट है, हैव बीन डेकोरेटेड वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये इंट्रांजिटिव होगा। ऑल द बॉयज सीम्ड हैप्पी एंड चीयरफुल। ऑल द बॉयज सब्जेक्ट सीम्ड वर्ब, अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये इंट्रांजिटिव होगा। वी शैल कम बैक होम बिफोर इवनिंग। वी सब्जेक्ट कम जो है वो वर्ब है, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये इंट्रांजिटिव होगा। नंबर 10, डू नॉट गिव योर डॉग सॉफ्ट बोन। तो डू वर्ब है, गिव भी वर्ब है, योर सब्जेक्ट है डॉग, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और बोन्स जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो ये क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब होगा। नंबर 11, हु कैन काउंट ऑल द स्टार्स इन द स्काई। तो हु जो है ये सब्जेक्ट होगा, कैन काउंट वर्ब है, तो इसमें ये ऑल द स्टार्स जो है ये ऑब्जेक्ट है तो ये क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। नंबर 12, माई फ्रेंड गिव मी अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट ऑन माई बर्थडे। फ्रेंड सब्जेक्ट, गिव जो है वर्ब होगा, और मी जो है इनडायरेक्ट वर्ब है, और बॉक्स ऑफ चॉकलेट ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब क्योंकि इनमें ऑब्जेक्ट है तो ये ट्रांजिटिव होगा। नंबर 13, द वेदर हेयर हैज़ नाउ बिकम वेरी प्लेजेंट। अब वेदर जो है वो सब्जेक्ट है, हैज़ वर्ब है, बिकम भी वर्ब है, इसमें क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये इंट्रांजिटिव होगा। नंबर 14 देखें, रूमा कुक अस अ डिलीशियस मील। रूमा सब्जेक्ट, कुक्ड वर्ब, अस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मील डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है तो ये ट्रांजिटिव। 15 है, दिस पिक्चर हैज़ बिन पेंटेड बाय मीना। आप पिक्चर सब्जेक्ट है, हैज़ बिन पेंटेड ये वर्ब है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये इंट्रांजिटिव होगा। आप देखिए, द पोइट गेव हिज पोएम्स अ लॉन्ग टाइटल। आप पोइट सब्जेक्ट है, गिव वर्ब है, पोएम्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और टाइटल जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो ये ट्रांजिटिव होगा। नंबर 17 है, सून आफ्टर द अर्थक्वेक द विलेजर्स रीबिल्ड द एंटायर विलेज। ठीक है, आप देखें इसमें विलेजर्स सब्जेक्ट है, रीबिल्ड वर्ब है, विलेजर जो है वो ऑब्जेक्ट है तो ये ट्रांजिटिव होगा। नंबर 18, प्लीज़ गिव मी अ कप ऑफ कॉफ़ी। अब इसमें देखें कि जो है इसमें गिव जो है वर्ब था तो ये इसमें ऑब्जेक्ट जो है तो ये जो है वो ट्रांजिटिव होगा, ये ट्रांजिटिव होगा। नेक्स्ट है, वी वर टॉट इंग्लिश ग्रामर बाय आवर फादर। तो इसमें वी जो है वो सब्जेक्ट है, वर टॉट वर्ब है, तो ये जो है और इंग्लिश ग्रामर ये हमारा क्योंकि ऑब्जेक्ट बन रहा है तो ये ट्रांजिटिव होगा। नंबर 20 है, आवर फादर टॉट अस इंग्लिश ग्रामर। तो ये देखें, फादर सब्जेक्ट है, टॉट वर्ब है, अस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इंग्लिश ग्रामर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये होगा ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये जो है आपने अपनी बुक पर ही इस तरह जो है वो लिखना है, फिल करना है सारा। तो आज का हमारा लेसन यहीं तक था, इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।